इंदौर के समीप किशनगंज थाना क्षेत्र के हेमा रेंज में बकरी चराने गए दो बच्चे हेमा रेंज में लावारिस हालत में पड़े बम फटने से घायल हो गए। दरअसल पूरी घटना मंगलवार शाम की है, जहां राजस्थान से काम करने आए परिवार के दो बच्चे लखन व हीरालाल बकरी चराने गए हुए थे, तभी लावारिस हालत में पड़ा बम फूट गया। बताया जा रहा है कि हेमा रेंज में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दोनों बच्चों के पैर में गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज MY अस्पताल में जारी है। मऊ एरिया में रिशाबल्टी के गांव के पास में वो भेड़े चरा रहे थे, तो भेड़ों का पांच से कोई बम टकरा गया, तो इससे अचानक विस्फोट होने के कारण से इधर देखो बच्चों को लग गई। कैसा बम था? बम कहाँ की घटना है? रिशाबल्टी के पास। कब की घटना है ये? ये कल 5 बजे। कल 5 बजे की। कितने घायल हुए बच्चे? दोनों के पास घायल हुए, एक पांव बिल्कुल खत्म हो गए। क्या क्या नाम है दोनों के? हीरालाल और लखन। कितने उम्र है दोनों की? एक है 9 साल का, एक है 12 साल। 12 साल का है ना। ये कब से बकरी चरा रहे थे वहाँ पर? ये तो कम से कम 8 रोज। 8 रोज से है ना। क्या ये जहाँ चरा रहे थे वहाँ पहले भी हुआ किस तरीके का हादसा? नहीं नहीं, पहले नहीं, कल ये तो चराने भी कल गए थे साथ में। पहली बार ही गए थे है ना। तो क्या शाम की घटना है ये? शाम की, कल 5 बजे। कैसी हालत है अभी दोनों की? अभी सीरियस है ना। आपका नाम बतला दीजिए। नानूराम नाम। आपके कौन है ये? मेरा भानेज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।